Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata सकते हैं। तो उसी मूड से मैं अभी भागवत कथा करना चाहूंगी। ब्रजप्रिया माता जी, आप पहला पाठ आप करना चाहोगे, राइट माता जी? यस, यू वांट टू मैं श्लोका रीड करती हूँ, अनुवाद रीड करती हूँ एंड देन यू स्टार्ट क्लास। ओके, हरि बोल। थैंक यू विलासिनी, थैंक यू हरे कृष्णा। पहले मैं रीड कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्टके। जय श्री प्रभुपाद कृष्ण। आज मैं पढ़ूंगी श्लोका पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 54वां श्लोका, 54 श्लोका। जीतासनाजित श्वास प्रत्याहत सद इंद्रियः हरि भावनया द्वस्त रजसत्वतमामलः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति मोड़कर प्रकृति के गुणों अर्थात सतो रजो तथा तमो गुणों के कलमस के प्रति निस्तेज बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेलकम माता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी, आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे लगता है अभी क्लास देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें ही पूरा टाइम गया। अच्छा, तो आप उसके लायक हो इसलिए, और आपने आप वाकई में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो प्रभु और माता जी। एंड मैं चाहूंगी कि आपका क्लास, आप प्रभु ने तो बहुत अच्छा क्लास दिया, तो आप ही इतना अच्छा क्लास दोगे कि मैं एवरी मंथ आपको इनवाइट करूं ये क्लास के लिए। क्लास के लायक नहीं हूँ लेकिन फिर भी मतलब भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहती हूँ, और जो भी है आप अच्छा ही मान के ले लोगे, मुझे पता है। सो या थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बेसिकली आज का जो जो सेशन है, ये जो अध्याय चल रहा है, तो अध्याय का नाम क्या है कि धृतराष्ट्र घर छोड़ के जाते हैं। तो हमने देखा है कि अभी कृष्ण भगवान द्वारिका को निकलते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि विदुर जी वापिस आते हैं, मतलब धाम यात्रा करके वापिस आते हैं। तो उनको तो बेसिकली क्या हो गया कि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है। हमको तो पता है कि वो पहले से ही शुद्ध सत्व में थे, भगवान की भक्त थे, लेकिन फिर भी वो वापिस आते हैं। किस लिए वापिस आते हैं? ताकि वो धृतराष्ट्र को वापिस लेके जाए, और उसके लिए आते हैं। और उसी संदर्भ में ये श्लोका है कि अभी धृतराष्ट्र घर छोड़ के बाहर निकले हैं, और अभी वो क्या कर रहे हैं कि अभी पहले तो वो ध्यान धारणा कर रहे हैं, मतलब अष्टांग योग कर रहे हैं। तो ये श्लोक में बताया, इससे पहले एक श्लोका जो है मतलब 53 में 53वें श्लोक में बताया गया है कि वो क्या अष्टांग योग कर रहे हैं, कहाँ पे? सप्तश्रोत नदी के किनारे पे अष्टांग योग कर रहा है। और आपको पता है कि अष्टांग योग के 8 विधियां होते हैं, उसमें से मैं कुछ बताऊंगी कि जैसे आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, ध्यान धारणा इत्यादि। तो इसमें क्या होता है कि आसन में हम जैसे बैठते हैं कि चलो हम सीधे बैठते हैं, सीधा बैठ के हम फिर प्राणायाम करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, श्वास के ऊपर क्या करते हैं, मन कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये विधि जरूरी इनिशियली है, क्योंकि क्या है, हमें अपने इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए।
लेकिन आगे का विधि जो है इसमें बताया जाता है कि वो प्रत्याहार के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं, इनिशियली आसन प्राणायाम करके क्या करते हैं, हम इंद्रियों को केंद्रित करके क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां क्या करती है, फिर भगवान की सेवा में लगाते हैं, मतलब भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। और चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि क्या है कि आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मतलब जब हम आत्मेन्द्रिय मतलब खुद के इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो काम होता है, काम वासना होते हैं, और उसी से हमें क्या होता है, जगत में हम फंस जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब ही उसी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारे सभी प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। अभी इस श्लोका में स्पेशली बताया गया है कि क्या बताया उन्होंने कि एक सेकेंड ना, हाँ, ये जो आसन और क्या है, हमारा जो श्वास लेने का विधि हम कंट्रोल करके क्या करते हैं कि हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में केंद्रित करते हैं। उससे क्या होता है कि हम तीन गुणों के परे जाते हैं। जनरली क्या होता है, आदमी कोई भी एक्टिविटी करता है तो तीन गुणों में करता है। जैसे कि अभी हमें चॉइस है कि हम क्लास में बैठे, कि हम जाके मॉल में जाके शॉपिंग करें, या कहीं और जाके शराब पिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम मोड ऑफ गुडनेस में, या तो हम सतगुण में है करके हम क्लास में बैठे, लेकिन कोई हो सकता है कि जो रजगुण में हो तो वो शॉपिंग के लिए निकले, या कोई तमोगुण में हो वो क्या करे, शराब के लिए जाए, या जो भी है जैसे गॉसिप करते हैं, दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं, ये सब चीजें होते हैं जैसे कि हम तीन गुणों में करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में इंद्रिय लगाते हैं तो क्या होता है, हम तीन गुणों से परे हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब ही अभी आप सोचोगे कि अरे रजोगुण और तमोगुण में तो हम समझ सकते हैं कि उसमें जो हम एक्टिविटीज करते हो तो बुरे हैं, लेकिन सत्वगुण का क्या बुरा है, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है, राइट, ऐसे सोच सकता है आदमी। लेकिन हम देखेंगे कि एक उदाहरण, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जड़भरत क्या करते थे। जड़भरत ने क्या किया था कि अपना जो राज्य है और अपनी बीवी बच्चे सब छोड़ के वो क्या गए, वन में गए। किस लिए गए, ताकि वो क्या करे, घर वगैरह का आसक्ति छोड़ के भगवान की सेवा में या भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन अभी आप देखोगे ये जो काम है उनका, पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो क्या है, सत्व गुण में है, क्योंकि क्या करते हैं वो अपने घर से परिवार से क्या आसक्ति छोड़ के आगे जा रहे हैं, मतलब वो सत्व गुण में है, उनमें उनको किसी चीज में आसक्ति नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे आगे जाके वो क्या होता है कि वो जब भी वन में जाते हैं तो क्या करते हैं, जब भी वो अपनी तपस्या करते रहते हैं, अपनी जो साधना करते रहते हैं, उसमें ही उनको क्या होता है कि एक वाघ जो रहता है ना, राइट, वाघ ही बोलते हैं हिंदी में, वो जो, या सिंह जो भी है, सिंह जो है क्या करते हैं, हिरनी का जो है क्या करते हैं, पीछा करते रहते हैं, उसको मारने वाला था तो क्या करती, हिरनी जो प्रेग्नेंट थी वो क्या करती है, डर के मारे एक सरोवर के, मतलब सरोवर क्रॉस करना था उनको, हिरन को, तो वो क्या करती है, जंप करती है, और उसने में ही क्या होता है, उनकी डिलीवरी हो जाती है, और फिर हिरन का बच्चा जो है वो बेचारा अभी अकेला है, उसका मतलब ध्यान रखने के लिए कोई है नहीं। ये जब देखते हैं, कौन देखते हैं कि ये जड़भरत देखते हैं, तो उनको क्या होता है, वो बच्चे की तरफ क्या होती है, थोड़ी कंपैशन, सहानुभूति पैदा हो जाती है कि अभी इसका ख्याल कौन करेगा, उसकी मम्मी तो गई, हाँ, तो फिर क्या करते हैं वो बच्चे को उठाते हैं और लेके आते हैं अपने हर्मिटेज में आके, क्या करते हैं, या अपने आश्रम में आके उनका ख्याल करना शुरू कर देते हैं। अभी इसी तरह हमें पता चलता है कि वो क्या करे, अभी भगवान, मतलब अभी वो बंधन में पड़ गए, क्योंकि अभी देखो उनको अभी बच्चे का ख्याल करना पड़ेगा, फिर वो अपनी साधना में कभी कभी
मतलब डिस्टर्ब होते थे कि अरे अभी तक ये बच्चा आया नहीं है, हिरन जो है वो आया नहीं है, कहाँ फंस गया, किसी ने उसको मारा तो नहीं, तो ये क्या हो गया, बंधन हो गया या आसक्ति हो, भौतिक आसक्ति हो गई। तो जब भी वो भौतिक सत्व गुण में थे तो भी उनको क्या आसक्ति हो गई, मतलब उनके इंद्रिय क्या है, वश में नहीं रहे। तो ये है मतलब भौतिक सत्व गुण का असर कि वो इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अभी इस श्लोका में अभी बताया गया है कि अपनी भौतिक इंद्रिय जो है वो मोड़कर क्या किया है, उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया है उसको। ये भगवान श्लोक में कहा गया है कि प्रत्याहार, मतलब आसन, प्राणायाम और तीसरी जो प्रत्याहार है वो, उसके बारे में बताया कि नेक्स्ट स्टेप की वो विधि जो है वो उसको कहते हैं प्रत्याहार। मतलब भौतिक जो आसक्ति है वो आसक्ति को किसमें, भगवान की सेवा में मुड़ा गया है। तो हमने ये उदाहरण देखा। अभी आप बोलोगे रजगुण और तमोगुण में तो आपको पता है कि क्या होता है, जनरली रज और तमोगुण में भौतिक भोग करने की इच्छा होती है और क्या होता है उनका, प्रबल कामेच्छा से क्या करते हैं वो, संपत्ति और शक्ति का संचय करने शुरू हो जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शक्ति का संचय करने के लिए किसने तपस्या की थी? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो मतलब और दूसरा, संपत्ति के लिए किसने ये किया था तपस्या, संपत्ति के लिए? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, क्योंकि ध्रुव महाराज देखिए अभी पहले तो ध्रुव महाराज क्या थे कि वो पैशन में थे। उनको पैशन क्या था कि जब भी उन्होंने बोला था कि अपने जो उत्तनपाद ने, अपने पापा जो उत्तनपाद थे, उन्होंने क्या किया था, उनको अपनी गोद में बैठने के लिए नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि सुरुचि के कहने पे तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपने पापा से बढ़कर क्या राज्य, पापा से भी नहीं, उनके जो दादाजी थे हाँ, तो उनसे भी बढ़कर क्या मुझे राज्य चाहिए। तो मतलब क्या है कि उनको स्थान की अपेक्षा थी, क्या संपत्ति की अपेक्षा थी, मतलब वो क्या था हमारा, उनका जो निर्णय था वो पैशन में था या रजोगुण में था। लेकिन जब ही नारद मुनि मिलते हैं, नारद मुनि उनका डिटर्मिनेशन देखते हैं, उनको वो गाइड करते हैं, फिर भी ये बच्चा क्या है तभी भी समझ नहीं रहा है, उनको क्या करना है, अपने पापा से या परदादा से, दादा परदादा से भी ज्यादा ऊंचा स्थान चाहिए, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो तो आपको पता है कि धीरे धीरे वो तपस्या बढ़ाते 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 फाइनली भगवान उनको दर्शन देते हैं। और जब भी भगवान उनको दर्शन देते हैं तो क्या होता है कि भगवान को देखते ही उनकी जो बाकी कामेच्छा थी वो सभी चली जाती है और भगवान की तरफ उनकी इंद्रिया क्या, उनकी सेवा में लग जाती है। अपने आंखों से वो दर्शन करते हैं तो बाकी सभी चीजें भूल जाते हैं और फिर भगवान बोलते हैं कि पूछो, तुम्हें जो मांगना है वो वर मांगो। क्योंकि भगवान को, भगवान तो परमात्मा है, अपने सबके अंदर है, उनको पता है कि ध्रुव महाराज किस लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा वर मांगो, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान को पता है कि ध्रुव महाराज किस लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने कुछ भी मांगा नहीं, तभी प्रभु भगवान कहते हैं कि मैं आपको क्या करता हूँ कि ध्रुव प्लैनेट या ध्रुव लोक जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन फिर भी क्या किया ध्रुव महाराज ने, बोला कि मैं किसकी अपेक्षा कर रहा था कि काचन विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम, मतलब जो मैं अपेक्षा कर रहा था या जो भी जिसके लिए तपस्या कर रहा था वो क्या है, कांच के टुकड़े के समान है और आपका दर्शन जो है वो क्या है, एक रत्न की तरह है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान क्या करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी करके उनको ध्रुव लोक दे देते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी वो शुद्ध सत्व में आते हैं भगवान का दर्शन पाके। तो वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं कि अभी उनकी आसक्ति, हमने देखा कि उनकी आसक्ति थी इसीलिए क्या किया उन्होंने, दुर्योधन को भी सपोर्ट किया जबकि वो धर्म के खिलाफ था, धर्म अधर्म कर रहा था तो भी, है ना। तो इसीलिए क्या किया, अभी वो उनको ये जो आसक्ति है भौतिक संसार की तरह या अपने घर की तरह, अपने परिवार की तरह जो आसक्ति है वो दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने आसन किए, प्राणायाम किए, फिर अभी वो प्रत्याहार कर रहे हैं ताकि
अपने जो भौतिक आसक्तियां है भगवान की तरफ मोड़ ली। अभी उसका एक उदाहरण है, जैसे कि अभी क्या होता है कि ये प्रत्याहार करके अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इंद्रिय मोड़कर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अभी तीन गुण जो है, तीन गुणों का जो असर हमारे ऊपर होता है अक्सर, वो तीन गुणों से हम परे क्या करने लगते हैं, हमारी एक्टिविटीज करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, अभी अभी हमने उदाहरण देखा कि सत्व गुण में क्या है, बंधन है, रजतम गुण में तो बंधन है ही है। उसके हमने मतलब भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी देखेंगे, 18वें अध्याय में भी देखेंगे कि क्या क्या उसके मतलब ये हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सत्व गुण में भी बंधन है, जैसे अभी हमने जड़ भरत का उदाहरण देखा, क्या उदाहरण देखा, उसमें क्या बंधन होता है कि अभी भी उनकी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। वो अपने आंखों से हिरण को देखते हैं और हिरण के बच्चे को संभालने की चेष्टा करते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, अभी भी इंद्रिय शुद्ध नहीं है, अभी भी भौतिक आसक्ति बनाए रखी। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उसके भी परे अभी हमें जा रहे हैं कि प्रत्याहार में कि हम क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को शुद्ध बना रहे हैं, भगवान की प्रेम में भक्ति में लगा रहे हैं। तो उसका उदाहरण, अच्छा उदाहरण है कि अम्बरीश महाराज, राइट। अम्बरीश महाराज ने क्या किया था कि पूरा मतलब अपने पूरे जो लिम्स है, अपने बॉडी के जो पूरे अवयव जो है, वो क्या है, भगवान की सेवा में लगाए थे। जैसे कि आँख है, भगवान के दर्शन में लगाए थे, जैसे नाक है तो भगवान को जो तुलसी, उनके भगवान के चरणों में जो तुलसी ऑफर की थी उसको सूंघने में उन्होंने यूज किया था। हाथ जो है वो भगवान के मंदिर का मार्जन करने में लगाए थे। पैर जो थे उन्होंने क्या धाम यात्रा करने के लिए गाए थे। अपना जो स्पर्श है, अपना जो शरीर का स्पर्श है, वो क्या है, भक्तों को आलिंगन करने में लगाया था। इसी तरह क्या उन्होंने पूरी अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई थी और भगवान के भक्तों में, भक्तों की सेवा में लगाई थी। तो इससे क्या होता है, उनके जो तीन, वो क्या तीन गुणों से परे हुए थे। और फिर हमें पता है कि कथा आती है कि दुर्वास मुनि जब भी आते हैं, जब भी ये अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत रखे, फिर पारायण समय हुआ था, पारायण मतलब फास्टिंग तोड़ने का जो समय हुआ था, तभी क्या दुर्वास मुनि आते हैं। फिर दुर्वास मुनि क्या करते हैं कि दुर्वास मुनि जानबूझ के वहां पे आते हैं और फिर वो चाहते हैं कि, आपको तो पता है कि दुर्वास मुनि को जब भी अच्छे तरह से अदरातिथ्य नहीं करेंगे तो क्या होता है, बहुत ही नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, शाप दे देते हैं। तो ये इसके लिए क्या है, दुर्वास मुनि बहुत ही फेमस थे। तो अभी इसी समय, अभी समय अम्बरीश महाराज के इधर वो आ जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, ब्राह्मणों से सलाह लेके फिर क्या करते हैं, पूछते हैं कि पारायण का समय हो गया, मुझे पारायण तो करना चाहिए ना, मतलब फास्टिंग तोड़ना चाहिए। तो तभी क्या करते हैं, ब्राह्मणों के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि आचमन आप ले लोगे तो वो क्या फास्टिंग तोड़ने के बराबर भी है और कुछ ना खाने के बराबर भी है। तो ये सलाह मसलत करने के बाद वो आचमन लेके अपना क्या फास्ट तोड़ देते हैं। लेकिन दुर्वास मुनि को समझने के बाद दुर्वास मुनि क्या हो जाते हैं कि अरे मुझे मुझे मतलब मेरा अदरातित्य करने से पहले ही आपने खा लिया, तो वो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फिर गुस्से में क्या करते हैं, अपनी जो शिखा का जो एक बाल निकाल के वो क्या कर लेते हैं, मंत्रा इन्वोक करके एक राक्षस बना लेते हैं। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, जो कि अम्बरीश महाराज को मारे। लेकिन क्या होता है कि भगवान, भगवान क्या है, भक्तवत्सल है। भगवान अपना इंसल्ट या अपने को कोई कुछ बोले या कुछ करे तो वो सह ले सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो कुछ करे वो सह नहीं सकते। तो भगवान का सुदर्शन जो है उनके परमिशन के बिना क्या होता है, छूट जाता है। हाँ, और किस लिए, ताकि अम्बरीश महाराज की क्या करे, सुरक्षा करे। तो उसके लिए फिर वो जब भी चक्र लगता है तो क्या होता है, वो पहले ही राक्षस को मार देता है। वो राक्षस को मारने के बाद वो चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पड़ता है। तो अभी इस सिनेरियो में या सिचुएशन में हम देखेंगे कि जब भी अम्बरीश महाराज जो है उनको क्या किया था, जब भी उन्होंने शाप दिया या मारने के लिए जब राक्षस पैदा किया, तभी क्या हुआ, अम्बरीश महाराज वैसे के वैसे थे, थोड़े भी हिले नहीं,
उन्होंने कुछ भी याचना की नहीं कि आप ऐसा मत करो, मेरे से गलती हो गई, कुछ नहीं। उन्होंने सोचा शायद मेरे से गलती हुई रहेगी, जो भी है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या है, तीन गुणों के परे उनका जो ये बिहेवियर है, तीन गुणों के क्या है, परे हैं। ना उन्होंने दुर्वास मुनि को भी मतलब अपराधी माना या दोषी ठहराया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने नम्रपणे क्या किया, नम्रता से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहे ताकि आपके सेवा में मैं लगूं, आपको जो करना है वो करो। हाँ, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो चक्र जो है वो दुर्वास मुनि के पीछे पड़ता है, फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, बाद में विष्णु जी के पास जाते हैं। फिर विष्णु जी बताते हैं कि क्या है, ये चक्र मेरे हाथ में नहीं है, आपको जाके क्या है अम्बरीश महाराज से ही क्षमा याचना करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा ये चक्र पीछे आएगा। तब तक मैं भी मेरे चक्रों को क्या पीछे नहीं ले सकता हूँ। ऐसे करके उन्होंने क्या किया है, दुर्वास मुनि को कहाँ पे भेजा, वापिस अम्बरीश महाराज के चरणों में भेजा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो आज की अपने जो श्लोका का जो तात्पर्य है कि हम क्या करते हैं, प्रत्याहार करके फिर क्या करते हैं, मतलब आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके हम भगवान की, हमारे इंद्रिय भौतिक इंद्रियों को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। और भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, हम तीन गुणों के परे हो जाते हैं, है ना। तो हरे कृष्णा, और किसको कुछ ऐड करना है या कुछ टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। तो आज का श्लोका का जो भी ये था मैंने कर लिया है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई एम सो सॉरी प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम माता जी। इट इज सो एंबैरसिंग टू टॉक इन फ्रंट ऑफ प्रभु जी। अरे नहीं नहीं माता जी, यू आर वेरी एक्सीलेंट स्पीकर माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। फिलोसफी आपने बताई, इट वाज वेरी नाइस कि कैसे ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण हम लोगों को बांध के रखता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण तो छोड़ना ही है, लेकिन सत्वगुण भी जो है दैट इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज, ये भी हम लोग को बांध के रखता है। सो वी हैव टू गो ओवर दिस। जैसे भगवान कृष्ण भी बोलते हैं ना कि त्रैगुण्य विषय आवेदन इस त्रैगुण्य भव अर्जुन, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही प्लीज आते रहिए माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। यस, जैसे ये पॉइंट है प्रभु, मुझे बोलना था, देखो भगवान ने वो आपके मुंह से बुलवाया। एक्चुअली आई थॉट ऑफ सेइंग दिस, मुझे लगा कि अपने आप से आ जाएगा। जैसे अभी तक क्या था, अर्जुन क्या कर रहे थे, अपनी हर एक एक्टिविटी जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, है ना। मतलब जो उनका निर्णय था कि ये मेरे चाचा, मेरे दादाजी है या मेरे भाई है, मेरे चाचा है, तो उसके वजह से ये जो उनका निर्णय क्या था, तीन गुणों के ऊपर चल रहा था, मतलब तीन गुणों के आधार पे चल रहा था, या वी कैन से ऑन अ बॉडीली प्लेटफॉर्म कर रहे थे, है ना। और उसके बाद फिर भगवान क्या कह रहे हैं उनको कि तीन गुणों से परे हो जा, फिर क्या हो जाओगे, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु, मतलब नित्य सत्व गुण में रहोगे, पीत हो जाओगे किस, और द्वंद्व नहीं रहेगा, ये करूं कि मैं वो करूं, ये बोलूं कि मैं वो बोलूं, है ना। आप स्थिर हो जाओगे कि मुझे यही करना है, धर्म क्या कहता है वो मुझे कहना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग दिस श्लोका। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ शेयर करना तो कुछ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता, कृष्ण माता जी। हाँ सत्यराज प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी आप बोलिए, आप बोलिए प्लीज। सॉरी सॉरी, नहीं 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 माता जी, मेरा एक प्रश्न था कि अभी जैसे अम्बरीश महाराज का बिहेवियर है, हम लोग जैसे अपने भौतिक जीवन में या फिर ऑफिस में सब शुड वी ऐसे ही हमको, मतलब एज अ ये भगवान का ही, जैसे क्या होता है ऑफिस में कलीग होते हैं, बॉस होते हैं, वो कभी कभी हम लोगों को बहुत ही मतलब क्या होता है कि द वे दे बिहेव, गलती ढूंढना ये वगैरह। सो शुड वी लाइक भगवान के ऊपर आश्रित रह के कि ये भगवान का ही ये हो सकता है, एंड वी जस्ट मतलब जितना हो सके टॉलरेट करे, इज दैट वी कैन डू माता जी, मतलब भौतिक जगत में। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, प्रभु जी, क्योंकि अभी देखो अभी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो श्लोक है सेकंड चैप्टर में 2.14 में बताया गया है
कि हमें पहले तो भक्त बनने के लिए पहले हमें ये क्वालिटी आना चाहिए टॉलरेंस, हाँ, कि उसमें क्या है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख हो या दुख हो हमें क्या करना है वो टॉलरेट करना चाहिए। जनरली हमारी टेंडेंसी ऐसे होते कि हमने या बॉस ने अगर ग्लोरीफाई किया या हमारे बारे में चढ़ा बढ़ा कर किया तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें अगर बुरा कहा तो हम क्या करते हैं, हम गलत मतलब दुख हो जाता है हमें। तो यहाँ पे यही बताया कि हमें धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हमारे रहते हैं डेली बेसिस में चलती है, तो हमें क्या करना चाहिए वो ऐसे सोचना चाहिए कि वो भगवान की ही कृपा है। और ऐसे सोच के फिर क्या होता है, हम वो जो तीनों हमारी जो भी एक्टिविटी है वो तीनों गुणों में हम मतलब मेजर करना मतलब छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है हम शुद्ध सत्व में आना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सत्व गुण में भी हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है मतलब ये करेंगे वगैरह, ठीक है सह लेंगे, लेकिन हमें सह लेना भी क्या है, वो क्या है भौतिक सत्व गुण हो सकता है, लेकिन उससे भी परे क्या है कि ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे करना, ऑफकोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं है कि इट इज नॉट दैट इजी, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भगवान डेफिनेटली हमें शक्ति देंगे और वो फिर हम करना शुरू कर देंगे। आई होप प्रभु यू गॉट द पॉइंट, और आई मीन वाज इट कन्विंसिंग और आई डोंट नो, या थैंक यू। नहीं नहीं माता जी राइट, जैसे आपने कहा ऐसे हमको इसको लाइक अ प्रैक्टिसिंग ग्राउंड सोचना है, इधर प्रैक्टिस कर करके। यस माता जी, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। खूप खूप सुंदर क्लास तुमचा झाला, आणि जे तुम्ही आजच्या क्लासचं मेन होतं की सत्वगुणामध्ये सॉरी हिंदी में सत्वगुण में जाके भी हम लोग माया में फंस सकते हैं, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करके कहा। और जब वो सत्वगुण में गए थे तो उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति थी वो कितनी ऊपर थी, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 16 राउंड करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं फिर भी हमें लगता है हम लोग ने बहुत कुछ कर लिया है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्वगुण में होते हुए भी नीचे गिर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छे से समझाया सरलता से, बहुत अच्छा लगा। माता जी मैंने कुछ समझाया नहीं, भागवतम ने जो बताया है वो खाली कहने के प्रयत्न किया है, बट ये पॉइंट हमें बहुत बार ऐसे होता है ना माता जी कि ये पॉइंट हमें पता रहता है, हम रीड करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, जब ये करना होता है तब हम भूल जाते हैं। क्योंकि यही हमें प्रैक्टिस करनी है कि सबको मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तो मैं तीनों गुणों से परे नहीं हूँ, लेकिन जो क्लास में बोलना है वो तो बोलना है। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है हर एक चीज हम कैसे कृष्णा से जोड़ते हैं, तभी वो क्या होता है तीन गुणों से परे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया ऑफिस का, क्योंकि तुरंत हमारी मेंटेलिटी ऐसे हो जाती है कि हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हाँ कभी हम कृष्णा को जोड़ते नहीं वहां पे कि चलो कृष्णा की कृपा है समझ के हम ले लेंगे, भले हमें क्या होता है वही एक्टिविटी हो जाती है लेकिन हमें उससे दुख कम हो जाता है। जैसे प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि मरने का डर तो सबको होता है, भय सबको होता है, लेकिन भक्त को वो भय क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं कि जो क्या बोलते हैं बिल्ली जो होती है, बिल्ली अपने बच्चे को वही मतलब मुंह में लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसी मुंह में वो क्या करती है चूहे को पकड़ती है तो वो क्या करती है उसका कॉन्शियसनेस अलग होता है, राइट, वो मारने का कॉन्शियसनेस होता है। तो वैसे मरने का जो भय होता है आदमी को तो डिवोटी को नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है भागवतम या स्क्रिप्चर्स पढ़ के कि क्या है कि हमें एक न एक दिन शरीर छोड़ना है, उनकी तैयारी हुई रहती है। तो उनको फिर मृत्यु भी क्या लगता है, वो उनको क्या लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये होता है, ये वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, तो उनको क्या रहता है वो दुख नहीं होता है, हाँ क्योंकि एक्सेप्ट किया रहता है। वैसे ही यहाँ पे वो क्या होता है तीनों गुणों के परे रहेंगे तो वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो उनका मतलब क्या है कहीं ना कहीं उनकी आसक्ति रहेगी। हो सकता है कि कुछ वक्त ऐसे है कि सत्व गुण में रहेंगे भी, उसे साधना करते भी रहेंगे, लेकिन मरते वक्त हो सकता है कि उनकी कहीं ना कहीं पे आसक्ति हुई, तो उसकी तरह वो उनका क्या रहेगा एलिवेशन जो रहेगा नेक्स्ट प्लैनेट में वो वैसे रहेगा।
तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि छोटी छोटी चीजों से हम अगर ऐसे करना शुरू कर देते हैं या अपने बच्चों को भी वैसे आदत डालना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो क्या करे, तीन गुणों के परे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक माता जी वॉज इट ओके। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस खूप खूप छान क्लास दिला माताजी। जसं तुम्ही सांगितलं विदुरजींनी त्यांना गाईड केलं सर्व केलं, तर आपल्याला जोपर्यंत एक प्रॉपरली आपल्याला मार्गदर्शक नाहीये तो सॉरी जब तक हम लोग को एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तब तक हम लोग अच्छे रास्ते पे, जैसे आपने बताया कि हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि क्या सतोगुण है, क्या रजोगुण है, तमोगुण है। तो माता जी वो आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। और जैसे आप बोल रहे थे कि सब इंद्रिया अपने भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, तो वो पॉइंट भी अच्छा लगा। और अभी जो आपने एग्जांपल दिया है सूरत माधव प्रभु के आंसर दिया तो बहुत अच्छा दिया। तो माता जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि जब भी आप धाम में जाते हो तो आपके पास विरक्ति आना चाहिए ये भौतिक संसार से। तो अगर वो नहीं आ रहे तो दैट मीन्स यू आर नॉट इन दैट धाम करके। तो एक पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इससे मुझे और एक पॉइंट याद आया था कि आपने क्या पहले पॉइंट बोला था, पहला एक पॉइंट था कुछ तो बोला था आपने, आई फॉरगॉट नाउ। एनीवे वंस आई रिमेंबर आई विल टेल यू दैट। मुझे याद आया था लेकिन मैं भूल गई। यस राजीव प्रभु। हाँ मार्गदर्शक। मार्गदर्शक से मुझे याद आया कि देखो अभी ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि का मार्गदर्शन मिला था। तो नारद मुनि तो क्या है, वो तो स्पिरिचुअल बॉडी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने कर्म के हिसाब से हमारा एक वक्त होता है, वो वक्त पे ही हमें वो चीज जचती है ना, हमारा मनस्थिति तभी होता नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण देने का कहेंगे तो एक सिक्स कैंटो में आता है कि चित्रगुप्त, चित्रगुप्त का नेक्स्ट लाइफ जो क्या वृत्रासुर। हाँ तो वृत्रासुर आसुर कैसे बने। हाँ वृत्रासुर राइट प्रभु पर। हाँ तो वहां पे क्या उन्होंने बोला है कि जब ही अंगिरा मुनि आते हैं और उनको मतलब उनसे जब ये जो राजा जो है उनसे क्या मांगते हैं कि मुझे पुत्र दे देना, जबकि वो क्या है 1,00,000 बीवियों से शादी करके भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो अपने नसीब में नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अंगिरा मुनि ने तभी क्या उनको वो नॉलेज दिया नहीं, आत्म साक्षात का नॉलेज दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो तभी समझने के मनस्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनको क्या है बच्चा चाहिए ही था राइट। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बच्चा दिया जो कि उनका हर्ष शोक का कारण बने, हर्ष भी दे दें और शोक भी दे दें। इसीलिए वो बच्चा क्या है 10 साल तक रहा, फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा मरने के बाद उनको दुख हो जाता है और उसके बाद उनकी मनस्थिति तैयार हो जाती है ना। तो वैसे कभी कभी हमें मार्गदर्शक मिलते भी है लेकिन हमारी मनस्थिति तभी नहीं होती है, सिचुएशन वैसे नहीं होती है कि हम उनको समझ पाए। जब भी उनका टाइम आता है तभी हमें फिर वो संदेश जो भगवान का समझ सकता है राइट। तो वो भी एक रीजन है कि मार्गदर्शक मिलता है लेकिन कभी कभी हम उनको समझते नहीं है। या थैंक यू सो मच प्रभु। यस हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। आपने बहुत बहुत बढ़िया आणि एकदम खूप सुंदर व्यवस्थित सांगितलं मार्गदर्शक, मतलब जब मार्गदर्शक हम लोग को मिलता है वो हम लोग को समझना एक्चुअली वो टाइम ही रहता है जिस जब हम लोग समझ सकते हैं। माता जी अभी हम लोग ने जो अभी बीच में कुंजेश्वरी माता जो सूरत माधव जी का क्वेश्चन था उसके रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग टॉलरेंस अगर करेंगे तो टॉलरेंस कैन बी रिलेटेड टू प्रोबेबली मान अपमान जो अपना कोई लोग करते हैं, कोई कोई मान देता है कोई अपमान करता है तो उसके लिए टॉलरेंस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बॉडीली अटैक वगैरह अपने पे करने के आते हैं, मतलब जिस जो सिचुएशन में अभी हम लोग है जो कलयुग की सिचुएशन है यहाँ पे यो काइंड ऑफ जो राइट्स वगैरह सब चल रहे हैं और जो जिस तरीके से लोग हो रहे हैं तो उस समय पे टॉलरेंस मतलब वो
डर है राइट, मतलब वो उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज काइंड ऑफ अ ये, तो मतलब वो भी आपने जैसे बताया कि वो भी सही है कि तीन गुणों के पहले परे चले गए और कृष्ण पे अगर हम लोग फुल सरेंडर है तो फिर हम लोग बॉडीली डर की भी हम लोग को चिंता नहीं है, तो लेकिन नहीं ये सिचुएशन में जब तक हम लोग हाँ मतलब ये बॉडीली सिचुएशन मतलब, लेकिन अगर हम लोग हर चीज पे कृष्ण पे ये करते रहेंगे और जबकि फुल सरेंडर तो अभी तक हो ही नहीं, क्योंकि हम लोग वो आज भी हम लोग तीन गुणों के लिए कर रहे, आज भी खाना खाने के लिए लड़ रहे, आज भी इंश्योरेंस पे जी रहे, आज भी डॉक्टर के पीछे लगते हैं, तो मतलब खुद के बॉडी को हम लोग कंट्रोल कर ही रहे, मतलब संभालने का ट्राई कर रहे जबकि इट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, फिर भी हम लोग करने का ट्राई कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन पे टॉलरेंस करना सही है या क्या कहें माता जी? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, शास्त्र भी बताते हैं, जैसे अभी भगवत गीता आई थिंक 2.16 में बताया गया है कि अततायिनों के बारे में बताया कि छह तरह के अततायिनों जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको मारने से हमें पाप नहीं लगता प्रभु जी, ये धर्म का कहना है। तो उसमें एक आता है एक पॉइंट जो आपने बताया कि हमें जो अटैक करता है या हम किसी की प्रॉपर्टी को कोई स्नैच करता है, किसी की वाइफ को कोई मतलब भगाता है, ऐसे जो छह अतिताइना होते हैं, तो उसमें से ये जो है एक अतिताइना जो है कि हमें मारने की कोशिश कर रहा है, तो हम बचाव में हम उनको अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे टॉलरेंस नहीं करना है ना, ये गलत होगा, ये अधर्म होगा फिर प्रभु। ये हमें शास्त्रों के अनुसार क्या है, ये जो छह अतिताइन छह प्रकार के अतिताइना जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं अपनी बचाव में, या जो भी मेंटली या हो या बॉडीली हो जो भी है वो बचाव में हम क्या कर सकते हैं, उनको अटैक कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ यहाँ पे टॉलरेंस काम का नहीं है। तो जैसे और एक कथा भी आती है नारद मुनि, जब भी मुझे इतना कॉन्टेक्स्ट याद नहीं आ रहा है कि एक सांप जो रहता है, सांप उनका भक्त बनता है, फिर वो सब कुछ क्या करता है, अपना जो धर्म है काटने का वो भूल के क्या करता है, सब लोग उसको मार रहे हैं तो भी वो क्या करता है, काउंटर अटैक नहीं करता है। देन नारद मुनि जब भी देखते हैं तो बोलते हैं अरे आपने ऐसे क्यों किया, आपने उनको मतलब अपना फना फुटकारा क्यों नहीं है ऐसे, है ना, काउंटर अटैक क्यों नहीं किया, तो बोले आपने ये बोला कि हमें धर्म का पालन करना है, हमें टॉलरेट करना है, तो नारद मुनि ने बताया कि ये सही नहीं है, तो हमें भी जानना चाहिए कि धर्म के हिसाब से सही क्या है गलत क्या है, और फिर उसके हिसाब से हमें टॉलरेट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये हिंसा होगी ना, हिंसा होगी तो फिर हमें अहिंसा का भी मतलब जहाँ पे यूज करना हो वही पे यूज करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हर एक चीज का एक यूटिलिटी होता है, तो हिंसा का भी यूटिलिटी है, अगर गलत जगह पे अगर हिंसा करते हैं तो वो क्या करना चाहिए, हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो आई थिंक प्रभु हाँ माता जी बहुत अच्छा आपने परफेक्ट बताया, वो आतताई का जो पॉइंट आपने दिया बहुत सही बताया माता जी। एक सिर्फ मतलब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये देख रहा था कि जब हम लोग जड़ भरत का एग्जांपल देते हैं कि जड़ भरत को वो लोग लेके जाते हैं मारने के लिए बलि देने के लिए, तब फिर काली माता मतलब दुर्गा माता को खुद को एक्चुअली अपीयर होना पड़ता था उनको बचाने के लिए, या फिर अगर हम लोग जैसे अंबरीश महाराज का अपने आंसर देते भी अंबरीश महाराज चुपचाप खड़े रहे ही, मतलब वो टॉलरेंस लेवल पे गए थे। सीता माता पे जैसे वो कौवा जब ये करते हैं उनको भी ये करते हैं जब चोच मारते हैं तो उनका खून निकलता है, तभी राम जी को गुस्सा आता है, तभी मतलब भक्त के प्रति जब कोई अपराध करता है तो कृष्ण खुद मतलब ये करके उनको बचाने का ट्राई करते हैं, तो फिर वो हिंसा करने वाले जब लोग हैं और तभी हम लोग भी अगर बोलेंगे हम लोग तो वो भी सही हो जाएगा ना कि अब वो गलत है माता जी? नहीं, हिंसा करने वाले का कॉन्शियसनेस ही हर एक एक्टिविटी में प्रभु मैटर करता है कि कॉन्शियसनेस क्या है, वो धर्म के खिलाफ है कि धर्म के साथ है। अभी आपको जो मारने वाला है वो उसमें धर्म क्या कर रहा है वो जरूरी है ना, अगर धर्म के खिलाफ कर रहा है, जो शास्त्रों के छह आततायिनों का हमने बताया कि देखो अभी दुर्योधन को जो इन सबको मारना था किस लिए मारना था, कि पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मारना था उनको, या जो भी उनका जो भी प्रॉपर्टी छीना, या द्रौपदी का जो भी मतलब ये वस्त्र हरण की कोशिश की, या ये सब चीजें जो की उन्होंने अपने सेंस इंद्रिय तृप्ति के लिए की, तो वो अगर रहेगा तो फिर वहां पे क्या करें, वहां पे टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर भगवान की सेवा में अगर कोई भक्त कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हिंसा करते हैं, isn't it?
भगवान के भक्त रहेंगे वो किसी को ऐसे हिंसा पहुंचाते नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए कि वो भगवान की सेवा में किसी और भक्त के लिए, भक्त की और या कोई ना भक्त की भी हिंसा कर रहे हैं, ऐसे दिखाइए। भगवान की सेवा में तो लगता ही नहीं है हिंसा। कहाँ लगती है, जैसे कि अभी सीता मैया को बचाने के लिए हनुमान जी ने क्या करी, हिंसा करने की कोशिश की, तो वो भक्त को बचाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो मतलब बचाने का मतलब हिंसा को भी सही जगह पे यूज करना है, गलत जगह पे यूज नहीं करना है। अगर भक्त को बचाने के लिए कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, न्याय को बचाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है ना। अन्याय को पूरा करने के लिए हिंसा कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, धर्म के खिलाफ है। इजंट इट प्रभु। ओके माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। इस अभी किसी और को कुछ कहना है? गोपी मन और प्रभु आपका हैंड रेज है। या हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। माता जी टाइम है ना तुमच्याकडे? वी कैन स्पेशली ह्यूमिलिटी का, मार्गदर्शन का और ये सब चीज, तो इट इज सो इंटरेस्टिंग माता जी। तो जस्ट वॉन्टेड टू थोड़ा सा मैं और इसके ऊपर थोड़ा कुछ माई रियलाइजेशन आई वॉन्टेड टू शेयर। जैसे सूरत माधव प्रभु का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम लोग ऑफिस में हैं और ऑफिस में से कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है या कोई हमको नीचा दिखा रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आई थिंक इसमें अगर हम लोग देखें तो देर आर ग्रेडेशंस। जैसे समीर प्रभु ने बहुत अच्छा दो एग्जांपल दिया, एक तो जड़भरत महाराज का और एक अम्बरीश महाराज का। तो देवर टॉप क्लास डिवोटीज, तो उनको मतलब फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि टोटली भगवान जो है मेरी रक्षा करेंगे, तो उनका उतना फेद है, तो भगवान ने भी उनका रक्षा किया वैसा। बट जैसे जो कनिष्ठ भक्त है या मध्यम भक्त है तो दे शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को याद है बहुत साल पहले हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज, उन्होंने 7 दिन का इस शिक्षा काष्टकम पे उन्होंने प्रवचन दिया था दुबई में, आपको याद होगा शायद। यस, उन्होंने इनिशिएशन हुआ था जब भी प्रभु का। अच्छा, उस टाइम पे इनिशिएशन का इनिशिएशन। हाँ, 2011 में आई थिंक। हाँ, तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स, लेकिन मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो उसमें जो त्रिनाद अपि सुनिश्चेन पे महाराज ने जब पूरा एक दिन जब दिया था, तो महाराज ने यही बोला कि ह्यूमिलिटी देर इज अ लाइक ए देर इज वी हैव टू कीप बैलेंस। ह्यूमिलिटी डजंट मीन पीपल स्टार्ट वॉकिंग ओवर यू। कोई भी आके आपके ऊपर चढ़ना शुरू कर दे, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है ना, नो, यू शुड बी हम्बल। हम लोग देखते हैं भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज इज सो हम्बल, मतलब जो उनको प्रणाम करता है महाराज उनको भी प्रणाम करते हैं, इज सो हम्बल। बट ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड, बोले कि ह्यूमिलिटी डजंट मीन कि दैट यू हैव टू। तो आई थिंक मैंने जब मैं जो पर्सनल जो एग्जांपल देखा है, मैंने जैसे हरिलीला प्रभु है, तो आई वुड सी मी इन द ऑफिस, ही इज सो हम्बल, इज सच ए नाइस डिवोटी। लेकिन ऑफिस में जब इफ ही हैज टू बिहेव विद समबडी, वो एकदम ही इज टू स्टार्ट शाउटिंग स्क्रीमिंग। ये हम मतलब पॉइंट ये है कि हम लोग को अगर हम लोग ऑफिस लाइफ में है तो वी हैव टू बी प्रोफेशनल्स। वहां पे अपने को भक्ति नहीं दिखाना है। कुछ भक्त हैं, भक्तों में पॉलिटिक्स करते हैं, ऑफिस में जाके ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। वी आर इन ऑफिस सो वी हैव टू बी प्रोफेशनल। हाँ, अगर कोई अपने को कर रहा है तो या एक बार ठीक, दो बार ठीक है, बट इफ इट बिकम्स मतलब वहां का स्वीपर भी आके अपना मजाक उड़ाने लगे, दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, बिकॉज इट्स एन इंसल्ट ऑफ डिवोटी एंड इंसल्ट ऑफ इनडायरेक्टली इट इज लॉर्ड। तो व्हाई वी वांट लॉर्ड टू इंटरफियर एंड कम एंड प्रोटेक्ट अस। तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो है मतलब एक सेल्फ जो बोलते हैं ना अपना, दैट वी शुड हैव। एंड एक बार दो बार ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा चीज है कोई टर्मिनेट कर दिया या ऐसा कुछ बड़ा थिंग है, दैट वी कैन टेक, ये भगवान का इच्छा है। लेकिन जैसे छोटा छोटा इंसिडेंट, आई थिंक वी शुड बी ड्रॉ अ लाइन। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ चाहिए ना प्रभु जी, तभी तो हम उसकी वैल्यू होगी। यही होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, यही होता है 7 लोग मिलके 8 लोग मिलके एक को दबाते रहेंगे, इट विल दे विल शो कि भाई इसका कुछ काम का नहीं है, इसको हटा दो।
देन हाउ वी आर गोइंग टू डू अवर भक्ति, हम लोग अपना भक्ति कैसे करेंगे, हम लोग अपना फैमिली कैसे रन करेंगे, अपना मेंटेनेंस कैसे करेंगे. सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेरे को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा भी यही था कि कोई भी थप्पड़ मारे ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग गांधी जी की तरह दूसरा भी गाल आगे करो, दैट इज ओके. बट महाराज क्लियरली सेड कि वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. And it doesn't mean that people start walking. एक बार दो बार बोल दिया ठीक है किसी भक्त ने, किसी ऑफिस में किसी ने बोल दिया, but if it becomes an habit, then you have to give answer. हाँ या बट प्रभु जी भगवत गीता तो हमें एनकरेज नहीं करते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसा जो है कि एक गाल पे मारा सो दूसरा गाल आगे करने के लिए, हमें नहीं कहती. वही आतदायन वाला बात आ ही जाता है कि हमें हिंसा का जहाँ पे यूज करना है वहां पे यूज करना ही है. यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल कि जहाँ पे यूज करना है वहां पे करना है, अदरवाइज वी डोंट हैव टू यूज इट, है कि नहीं. तो यही एग्जांपल है कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा वो अननेसेसरी रहेगा तो वी कैन नॉट टॉलरेट. अगर धर्म के हिसाब से है, कुछ रीजन है, हमने गलती की है तो थप्पड़ खा लो, एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम. अगर गलती नहीं है, बार बार अगर सामने वाला वही कर रहा है तो हम भी गलती कर रहे हैं, उसको सह के तो हमें मतलब वो हिंसा जो है सही जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हमें हिंसा करनी चाहिए ऐसे, है ना प्रभु जी. जैसे आपने बराबर बोला, गांधी जी का एग्जांपल नहीं देना था मुझे, बट लेकिन इट वाज लाइक लाइक वी शुड टॉलरेट, वी शुड बी हंबल. या थोड़ा हां, जैसे आपने बताया करे एग्जैक्टली, थॉट इट इज ओके. मतलब एक दो बार हम मौका दे सकते हैं उनको कि चलो एक दो बार हमने सह लिया, हो सकता है इसको समझ में आ जाए. अगर नहीं आ रहा है तो देन फाइनली आपने जैसे बोला वैसे करना ही है. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच. या एंड और एक पॉइंट जो सॉरी माता, और एक पॉइंट अच्छा जो था मार्गदर्शक का, जो था कि मार्गदर्शक जो है मतलब सही होना चाहिए. तो आई थिंक मार्गदर्शक जैसे हम लोग देखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दोनों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक तो जो मार्गदर्शक है उसका और जो फॉलोअर है उसका भी. तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर से डायरेक्ट मतलब कुछ मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलता है या कुछ रिक्वेस्ट मिलता है कि ऐसे करो, लेकिन फिर भी उसको फॉलो नहीं करते. हम लोग देखें अभी हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी के जो डिसाइपल्स हैं, तो मतलब बोलते हैं कि महाराज को बोलना भी नहीं पड़ता, दे इमिडिएटली अंडरस्टैंड, खाली महाराज देखते हैं तो इमिडिएटली दे रन एंड दे डू दैट सेवा. तो अ डिसाइपल शुड ऑल्सो बी लाइक दैट and he should understand. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब instruction मिलने के बाद भी they don't follow, तो that should not happen. So both sides are, एक बहुत अच्छा एक निकला topic, तो I just wanted to share that. कभी कभी होते हैं ऐसे कि वो दूसरों को बताते हैं ऐसे करना है, लेकिन खुद के गुरु महाराज का follow नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को बताते रहते हैं. That is also wrong, क्योंकि हमें पहले करना है, देन हमको वो प्रचार करना है, isn't it? Yes, 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 yes. Thank you, Mata. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for giving me opportunity. I really appreciate this. Yeah.